साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों देखिए बात करते हैं आज की बजट में जो घोषणा हुई है उसको लेके आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। रीड थर्ड ग्रेड को लेके, सेकंड ग्रेड को लेके, फर्स्ट ग्रेड को लेके और अन्य विभाग में जो भर्तियां हैं उसको लेके कब तक भर्तियां हो सकती है, कितनी कितनी भर्तियां आ सकती है उसको लेके जो आपके सवाल आ रहे हैं, कब तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है, कब तक एग्जाम हो सकते हैं, सभी बातें इस बजट को लेके हम बात करेंगे। क्या मनसा वो पूरी बातें आराम से हम करने वाले हैं आपके, जो 5 मिनट के अंदर हम पूरी बात कर लेंगे। साथियों शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी तक ये सूचना पहुंचे। साथियों ये भर्तियां आ रही है उससे मैं पहले एक सूचना आप सभी को बता भी होगी, अपना जो खुद का ऐप है वहां पे मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया, फ्री डेमो टेस्ट है सभी के लिए। वहां पे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में लिंक है या खुद का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे जाकर जुड़े। अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पे जुड़े। उस वहां पे आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम से पूरी टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें जिसमें राजस्थान जीके आता है, ठीक है साथियों, उसमें आप विशेष रूप से वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पूरा राजस्थान का जीके उस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा आपको, वहां पे जुड़े। विशेष रूप से कहना चाहूंगा ये भर्तियां यदि शांत काल में आप तैयारी स्टार्ट करते हैं अभी तो आप बहुत ही आगे से रहेंगे, बहुत से अभ्यर्थियों से आप आगे रहेंगे। यदि अभी से आप स्टार्ट करते हैं तैयारी, वो इस साथ स्टार्ट कर रखी है और जो नहीं किया अभी स्टार्ट कर लें क्योंकि अच्छी भर्तियां आने वाली है साथियों। जैसे कि घोषणा की है साथियों, मैं बात करूं उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया एप अपना खुद का डाउनलोड कर लेना, वहां पे सभी जुड़ जाना, वहां पे कमेंट बॉक्स में लिंक है सभी का या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं 70,000 की घोषणा की, आज 70,000 की घोषणा की है, उनमें मैं बात करूं मुख्य रूप से हमने पिछले 3 वीडियो बनाए थे, थर्ड ग्रेड को लेकर, सेकंड ग्रेड को लेकर, फर्स्ट ग्रेड को लेकर, उसमें कितने कितने पद यहाँ पे 70,000 में डिवाइड हो सकते हैं वो बात करेंगे। अन्य विभाग में कितनी भर्ती आ सकती है वो सभी बातें हम करेंगे। अन्य कौन सी भर्ती आ सकती है, कब तक एग्जाम हो सकते हैं, वो सभी अनुमान मेरे आधार पर जो मुझे लग रहा है वो बता दूं। उसमें एक लाइन दिए साथियों, आगामी वर्ष में ये 70,000 की जो घोषणा की है साथियों, वो की है आगामी वर्ष में ये 70,000 की भर्तियां जो कराने की मैं घोषणा करती हूँ इस प्रकार से। तो साथियों आगामी वर्ष का मैं बात करूँ तो आगामी ये जो बजट होता है वो वित्तीय वर्ष के आधार पर लगभग इसने की है, जो इन्होंने वित्तीय वर्ष के आधार पर की, जैसे 2024-25 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, यहाँ पर ये विज्ञप्तियाँ लगभग सारी जारी हो जाएगी, एग्जाम की भी संभावना इसी समय में हो सकती है, ठीक है। तो मैं बात करूँ साथियों तो अप्रैल तक ये विज्ञप्तियाँ आनी शुरू हो जाएगी निश्चित रूप से, अप्रैल के एग्जाम ये जो चुनाव होंगी, चुनाव के बाद में विज्ञप्ति आ जाएगी, पहले भी विज्ञप्तियाँ कई होंगी आ सकती है संभावना है, लेकिन चुनाव के बाद में जब गवर्नमेंट बनेगी नहीं तो उसके बाद में राजस्थान सरकार जो है वो भर्तियाँ निकाल सकती है, आराम से निकालेगी भी निश्चित रूप से। अभी थोड़े दिनों बाद में आचार संहिता लग जाएगी, वो भी एक थोड़ा उसमें होगा नहीं, तो चुनाव के बाद में, लेकिन कितनी कब तक आ सकती है वो देखिए। जैसे मैं बात करूँ साथियों 70,000 की जो घोषणा की है, इसमें हमने जो पिछले कल एक न्यूज आई थी, लगभग 1 लाख के, लगभग 1 लाख 1.25 लाख के लगभग यहाँ पे शिक्षा विभाग में पद खाली है और घोषणा की है 70,000 की, उसमें डीपीसी के आधार पर भरे जाएंगे और भरे जाएंगे तो वो तो नियम है, लेकिन 70,000 में बात करूँ साथियों लगभग 50,000-55,000 के आसपास भर्तियाँ शिक्षा विभाग, मतलब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, रीट थर्ड ग्रेड है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, इनमें लगभग 50,000-55,000 के आसपास ये भर्तियाँ इन 3 भर्तियों की होनी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, पटवारी एग्जाम से करने जो भी है, LDC आदि, वो भी भर्ती आएगी, लेकिन लगभग 50,000-55,000 के आसपास ये पद है वो शिक्षा विभाग के, जो 3 पद हैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, आपके थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इनमें आना है। तो लगभग मैं बात करूँ साथियों तो लगभग लगभग आपके 30,000 के आसपास, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है, 30,000 के आसपास ये थर्ड ग्रेड रीट की भर्ती आनी है साथियों। रीट थर्ड ग्रेड की भर्ती जो पात्रता पहले होने की पूरी संभावना है, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होने की संभावना है, तो लगभग 30,000-27,000 से लेकर 30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास ये भर्ती आ सकती है साथियों, ठीक है। यदि डीपीसी होती है इससे पहले तो और बढ़ सकते हैं, लेकिन अनुमान मेरा यही है यहाँ डीपीसी अभी संभावना नहीं ले थर्ड ग्रेड की, तो यहाँ पे लगभग ये 30,000 के आसपास ये घोषणा शिक्षक भर्ती की थर्ड ग्रेड की हो सकती है। और इसकी मैं बात करूँ कब तक हो सकती है साथियों, तो अप्रैल मई में ये विज्ञप्ति आने की, पहले रेट होगी विज्ञप्ति की, उस आधार पर अक्टूबर के आसपास से रेट पत्रता, सितंबर अक्टूबर मेरे को जुर्माना लग रहा है ये हो सकता है, पत्रता हो सकती है नवंबर के आसपास अक्टूबर में। उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा की जो 2025 में आपको देखने की मिलेगी या दिसंबर लास्ट में कभी भी हो सकती है, उसके बाद में 3-4 महीने का गैप होकर एग्जाम मुख्य परीक्षा का अप्रैल तक, मई मार्च तक हो सकता है साथियों। ये तो होगी थर्ड ग्रेड को लेकर बात साथियों। बात करूँ साथियों सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में आपके लगभग आपके 13,000-14,000 अनुमान मेरा ये लग रहा है, ये जहाँ तक भी भर्ती हैं 15,000 के आसपास ये भर्ती है सेकंड ग्रेड की आ सकती है साथियों। आपके सामान्य विभाग में, संस्कृत विभाग में आ चुकी है, आप सभी को पता है पद, आपको सभी को मैंने डिटेल से बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी है। और भी साथियों इनकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, नवंबर दिसंबर में आ गई है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम डेट है संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग की, तो उसके बाद ही जो आपके सामान्य शिक्षा विभाग होगा उसके आधार पर 1-2 महीने की, जनवरी की स्टार्ट में 25 में एग्जाम हो सकता है। तो 13,000-14,000 के आसपास ये सेकंड ग्रेड की, और यहाँ पे 8,000-10,000 के आसपास यदि पद बढ़ा सकते हैं तो, क्योंकि कुछ घोषणा तो पहले की हुई है और अभी वापस वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो थोड़े से और पद बढ़ा दिए जाएंगे,
8,000 के आसपास, 10,000 के आसपास लगभग मान ये है कि फर्स्ट ईयर की भर्ती आ सकती है, लगभग 8,000, 7,000, 7,500। ठीक है सर, ये लगभग हो गए आपके 50-52,000 के लगभग आपके पद है वो शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आ सकते हैं। और एग्जाम आपकी मैं बात करूँ तो ये जो वर्तमान में ये लगभग एक साल के अंदर, एक साल का अंतर आप मानकर चलिए, इस एक साल के अंदर आपके लगभग लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा साथियों, फरवरी 2025 तक, सेकंड ग्रेड की बात हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो चाहे आपके थर्ड ग्रेड की बात हो, यहाँ तक मुझे संभावना पूरी लग रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों, तैयारी अभी से स्टार्ट आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि विज्ञप्ति आएगी और आएगी आराम से कर लेंगे, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी साथियों। पहले रीट की आप करना चाहते हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं वो रीट की कर सकते हैं, वरना आप सीधी मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी करें, आराम से अच्छा सा पेपर हो जाएगा। नए साथी हैं वो भी आपके पहले मुख्य परीक्षा के साथ में तैयारी लेकर जा सकते हैं, रीट पात्रता आराम से हो सकती है साथियों। रीट पात्रता जैसे लगभग आपके जीके का और इसमें मुख्य में हो जाएगा, मनोविज्ञान भी पढ़नी है आपको, सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तो आपकी भाषा है यदि साइंस है तो वो भी आपके इसमें हो जाएगा कवर, आपको केवल दो भाषाओं जो है वो तैयार करनी है। तो पात्रता साथ में देखते रहे, मुख्य परीक्षा को देखिए साथ में तैयारी करें। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा अपना ऐप है वहाँ पे एक बार आप जाइए, वहाँ पे डेमो टेस्ट देकर देख लीजिए, प्री डेमो टेस्ट है वो आपके लिए बना दिया है, आप सभी साथी प्री डेमो टेस्ट दे सकते हैं। अपना ऐप है वो लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद में जो स्टोर आता है उसमें आपको थर्ड ग्रेड राजस्थान जी के नाम से एक कोर्स मिलेगा, वहाँ पे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें जो राजस्थान जी की जिसमें आता है, वहाँ पे आप प्री डेमो टेस्ट दें और उसमें जुड़ें। ठीक साथियों, 2 या 3 दिनों के अंदर में जैसे ही समय मिलेगा उसमें पहला टेस्ट आपको जोड़ दिया जाएगा, उसको पूरा टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा कब से स्टार्ट होने हैं टेस्ट। ठीक है, तो एक बार इसीलिए हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत से साथी इसमें अभी जुड़े नहीं हैं, कम साथी जुड़े हैं, पहले जो 100 साथी होंगे उसके लिए विशेष ऑफर रहेगा जो, और उसके बाद में जाएंगे इसमें और इसमें बढ़ाया भी सकता है। ठीक है साथियों, लगभग 99 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है टेस्ट सीरीज का, सभी टॉपिक उसमें शामिल है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी। तो सभी साथी जुड़े, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वहाँ पे जाकर जुड़े। ठीक है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, वहाँ पे सभी न्यूज आती है वो तुरंत आपको वहाँ पे मिल जाती है। अन्य कोई भी आपके सवाल रह गए हैं, अन्य विभाग की जो भर्तियाँ कितने पद आएंगी वो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, इस अलग अलग विभाग में आपकी पटवारी ग्राम सेवक जो भी हैं वो अलग से एक अलग वीडियो बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी देखना पड़ेगा कितने पद खाली इस आधार पर। तो मुझे जहाँ तक जानकारी थी मैंने आपको बताई, अन्य विभाग की अलग से वीडियो बता दीजिएगा। तो साथियों, अपने ऐप से जुड़ने के लिए, अपने टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना होगा अपनी क्लॉम्पनियाज। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये प्ले स्टोर आप यहाँ पे ओपन करते हैं साथियों, इस प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको साथ में सर्च में करना है अपनी क्लॉम्पनियाज। जैसे सर्च करते हैं साथियों तो यहाँ पे देखिए ये जो अपना ऐप है साथियों वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये अपनी क्लॉम्पनियाज दिखा दे रहा है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाला आएगा, क्या आएगा इंस्टॉल वाला, इंस्टॉल जैसे ही करते हैं साथियों तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मेरा इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ओपन, तो आपको यहाँ पे ओपन करना है, आपके सीधा ओपन आ रहा है, पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो ओपन करें। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं साथियों तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से साइड जो है स्क्रीन दिखा देगी, स्क्रीन दिखाने के बाद साथियों देखिए इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगे जाएंगे, आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करना है। मैं एक बार मोबाइल नंबर डाल के इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए फिलअप हुआ, नाम मेरा पहले से लॉगिन किया हुआ है तो नाम अपने आप हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे आपको जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे या तो आपको सीधा स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा ये कोर्स, ठीक है, ये कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बाय नाउ वाले जो है यहाँ पे ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कोर्स खुल जाएगा साथियों।